तो भाई लोग शेज़म 2 आने वाली है। जिन लोगों ने भी इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है, आप एक अच्छी और जबरदस्त कॉमेडी मूवी को मिस कर रहे हो। तो भाई अभी तक जिन लोगों ने शेज़म 1 देख रखी है उनके लिए छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो एक हाजमोला खाता हुआ लड़का जो अपनी माँ से बिछड़ जाता है, जो भी फैमिली उसको एडप्ट करती है वो घर से भाग जाता है। एक अंकल आंटी जिन्होंने ऑलरेडी 4-5 बच्चों को एडप्ट कर रखा है वो इसको भी एडप्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस भाई को सुपर पावर्स मिलती है, लेकिन सुपर पावर्स मिलने के बाद ये कोई दुनिया बचाने का काम नहीं करता है बल्कि आसमान में बिजली चमकाता है और चंदा इकट्ठा करता है उसके बदले में। फिर किसी का फोन चार्जिंग कर देता है और बच्चों का दिल बहलाता है वगैरह वगैरह। फिर एंट्री होती है अपने सुपर विलन की, जो कि इसको इतने घुसेंट मारता है कि ये औकात में आ जाता है। तो अब इस मूवी का सेकंड पार्ट 4 साल बाद रिलीज हो रहा है और मार्वल वाले लोग इसको, और भाई तू अभी तक एक कौन सी आलू टू फालतू मूवी देख रहा है, तूने क्वांटमिया देखी कि नहीं, उसमें इतने सारे कॉन्ग है ना कि एक कॉन्ग को ढूंढने के लिए उसकी जाति जनजाति प्रजाति कुल गोत्र सब बोल के उसको बुलाना पड़ेगा, देख साले। तो इसके ट्रेलर से साफ है कि बहुत सारी चीज़ों के रेफरेंस अंदर दिए गए हैं, जैसे कि वंडर वुमन, ग्रीक माइथोलॉजी, गेम ऑफ थ्रोन की खलेसी एक्सेट्रा। टेंशन मत लो, तुमको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं। स्टोरी यही है कि 3 विलन है और शेज़म की 6 सुपर हीरो वाली फैमिली। अब देखना है कि कौन जीतेगा और क्या होता है स्टोरी में। ट्रेलर से तो साफ है कि फुल कॉमेडी मूवी में होने वाली है, जैसे कि उसके पार्ट 1 में। तो डीसी की आने वाली अपकमिंग मूवी में से आप किसका वेट कर रहे हो, फ्लैश का या फिर शेज़म का? प्लीज मार्वल वाली मूवी का नाम मत लिखना यहाँ पे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल ऑफ अस आर डेड के कुछ मजेदार बिहाइंड द सीन थोड़े बहुत मस्ती के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो मिस मत करना।